गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है प्रजापति स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। सो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग के टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिससे कि आपके एग्जाम के अंदर कैसा लेवल देखने को मिल रहा है। जैसा कि मुझे कल कुछ क्वेश्चन पता लगे और कुछ उनका पैटर्न पता लगा। देखिए, एग्जैक्टली क्वेश्चन तो स्टूडेंट्स को याद नहीं रह पाते हैं, ठीक है, और जो कुछ एक क्वेश्चन है, कुछ एक टाइप है, वो मुझे मिल पाए हैं। और मैथमेटिक्स के भी मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करा दूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल रिव्यू का मैंने वीडियो बताया था, उसमें बताया था कि कितने स्टूडेंट्स क्वालिफाई हो रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि यही क्वेश्चन आएंगे, पहले भी मैंने बोला था, बट ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रख लेना। और लास्ट वीडियोस में मैंने बोला था, यदि आपने हमें अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया था, आप हमें अनअकैडमी पे फॉलो करके वहाँ पर सारे वीडियोस फ्री देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेलीफोन इज रिलेटेड टू मोबाइल फोन देन कंप्यूटर विल रिलेट। देखिए, टेलीफोन यदि आपके किससे रिलेटेड है, मोबाइल से, तो आपका कंप्यूटर किससे रिलेटेड होगा। तो यहाँ पर देखिए, कंप्यूटर की यदि हम बात करें तो कंप्यूटर लैपटॉप से रिलेटेड होगा। देखिए, कोई भी जो टेलीफोन है, टेलीफोन एक आकृति में हम कह सकते हैं कि आकृति में बड़ा होता है, इसका जो स्मॉल रूप है यानी कि स्मॉल वर्जन है, वो हम मोबाइल फोन को बोल सकते हैं, यानी कि इसका जो एक तरह से मॉडरेट हो, ठीक है। एक उस बात करें हम कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के बाद क्या आता है, आपका लैपटॉप, देन ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे रिलेशन वाले क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। एग्जैक्टली क्वेश्चन वही नहीं मिल सकते, बिकॉज स्टूडेंट्स को याद नहीं रहते, शाम को छोड़ा जाता है। देखिए, वो हा इज रिलेटेड टू WPIB देन CJXQ किससे रिलेटेड होगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको कॉडिंग इनकी याद होनी चाहिए। वी कितने नंबर पर आता है, 22 नंबर पर, और कितने पर आता है यहाँ पर अपने, 15 पर, ये 8 पर, ये 1 पर। अब इनका कोड देखो, ये रिलेट करते हैं, तो ये देखो, ये 23 पर आ रहा है, ये कितने पर आ रहा है, 16 पर आ रहा है, आई कितने पर, 9 पर और 2 पर। इसका मतलब +1 +1 +1 +1 इस तरह से बढ़ा है, तो इसमें भी हमें +1 +1 बढ़ा देना होगा। इसका मतलब सबसे पहले क्या आएगा, डी। फर्स्ट से ही आपने पहचान लिया भाई, फर्स्ट ऑप्शन से ही आपने पहचान लिया कि स्टार्टिंग में फर्स्ट आएगा, तो आप सभी ऑप्शन को डिलीट करके अपने ए ऑप्शन को आप चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बस इज रिलेटेड टू रोड देन ट्रेन इज रिलेटेड। देखिए, बस जो रेल रोड पर चलती है, ट्रेन किस पर चलती है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ट्रेन है जो पटरी पर चलती है, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए, आपको ये प्रिंटिंग है, इसको किस तरह से लिखा हुआ है, इन्होंने बिल्कुल जस्ट उल्टा किया हुआ है। देखिए, ऐसे लिखा हुआ है, PR को RPIN को NITI को NTI और NG को GN, ऐसे ही लिखा हुआ है ना भाई, तो आप इसको ऐसे ही कर लीजिए। सबसे पहले देखो, यहाँ पर एक चीज़ देखना कि यहाँ पर PR है, तो इसको लिखेंगे हम RP, क्या लिखेंगे इसको हम RP। तो RP आपको किस किस ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रहा है, देखिए, इसके अंदर RP नहीं है, इसके अंदर RP नहीं, दोनों को डिलीट कर दीजिएगा। उसके बाद देखो, यहाँ पर OT को TO लिखा हुआ है, ये TO सही है, यहाँ पर भी TO सही है। उसके बाद देखिए, OC को लिखा जाएगा CO लिखा हुआ है, CO लिखा हुआ है। OL को लिखा जाएगा LO, तो ऑप्शन D यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आप इतना तो समझ ही गए होंगे। अब देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड द ऑड वर्ड लेटर नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। ऐसे बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कि स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, मेरे पास जो कंटेंट है वो या तो इंग्लिश के अंदर है या फिर हिंदी के अंदर है। ऐसा बहुत ही कम कंटेंट है जो बायलिंगुअल पाया जाता है, बायलिंगुअल स्टूडेंट ज़्यादा अलाइक करते हैं, राइट, तो आपको मिलेगा, दोनों लैंग्वेजेस में मिलेगा। फर्स्ट देखिए, बॉक्सिंग, कराटे, लॉन्ग जंप, रेसलिंग। तो यहाँ पर देखिए, इन सभी के बारे में आपसे पूछा गया, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, GK से रिलेटेड क्वेश्चन भी जो ऑड ऑफ वन आउट में देखने को मिल रहे हैं। देखो, बॉक्सिंग होती है वो दो व्यक्तियों के मध्य होती है, कराटे भी दो ही करते हैं भाई, कुश्ती भी दो ही करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा लंबी कूद एक सिंगल व्यक्ति करता है, हाई जंप होती है जो, वो एक सिंगल पर्सन करता है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन कभी देखने को मिल भी जाते हैं, कभी नहीं भी मिलते, बट यदि मैं कोस्ट गार्ड के अलावा और भी एग्जाम की बात करूं तो वहां भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इनमें देखो, सबसे पहले आपको इनके मध्य डिफरेंस देखना है, क्या देखना है डिफरेंस, आप इनके मध्य चेक कीजिए। देखिए, ये कितने का है आपका, आर, यानी 18
उसके बाद 7, उसके बाद 20, उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए आपका एफ कितने पर है, 8 पर। यहाँ पर इसको देखो, यानी क्या बन रहा है, 18, 7, 20 और उसके बाद 8। इसको देखो 13, 12 और उसके बाद यहाँ पर देखो ओ, ओ कितने पर होता है, 15 पर, और के किस पर होता है, 11 पर। तो आई थिंक इस तरह से कोई भी रिलेशन नहीं मिलेगा, तो इसके बारे में थोड़ा सा डीप सोचना पड़ेगा। देखिए रिलेशन तो कॉर्डिंग वाला ही लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा उल्टा रिलेशन लग रहा है। देखिए आर के बाद एक छोड़ो एस, उसके बाद क्या जाएगा टी, एम के बाद एक छोड़ो ओ आ जाएगा, सी के बाद एक डी को छोड़ो ई आ जाएगा, लेकिन वी के बाद आपको एक छोड़ने पर जेड नहीं मिल रहा। ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, डी, यानी कि डी आपका बिल्कुल ही अलग है। नेक्स्ट देखो 9 right 1 by 11, 7 right 9 by 13, 5 right 15 by 17, 5 right 16, 6 by 19। तो यहाँ पर देखें इनको आपको क्या करना है, इनकी जो फ्रैक्शन है उसको चेंज कर लेना है। देखिए 11 9 99, इसका मतलब 100/11, 13 7 91, 100/13, और देखिए यहाँ पर 17 5 85, 100/17, 19 5 95, 101/19। अब आप समझ गए होंगे अलग कौन सा, तो ये बिल्कुल अलग है, 101 आ रहा है, सभी के अंदर 100 आ रहा है। यहाँ पर देखो 25 55 36 44 33 48 19 61, बिल्कुल यहाँ पर साफ साफ आपका अलग दिख रहा है। देखिए ऑप्शन डी के अलावा सभी एक दूसरे से क्या है, कंपोजिट नंबर है। कैसे नंबर है, कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज कंप्लीट, देखिए गला थोड़ा खराब हो रहा है, कॉपरेट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको इसको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इनको लगाना है, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इसमें बोला है कि मध्य में कौन सा आएगा, तो भाई अपन को लगाना है डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। तो देखिए सबसे पहले देखो CRU सभी के अंदर है। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले कौन आता है, तो सबसे पहले कौन आता है, डी आता है, डी आता है कि नहीं आता। उसके बाद आई आता है, आई आता है कि नहीं आता इसके अंदर। उसके बाद देखो एम आता है, क्या आता है, एम आता है, ऑप्शन आपके इसके अंदर 5 के अंदर। इसका मतलब जो क्रम्प है हमारा क्या है, क्रम्प वो बीच में हो जाएगा भाई, 2 आगे 2 पीछे हो जाएंगे, तो क्रम्प ऑप्शन डी यहाँ का यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए ओ को लिखा हुआ है 16, देन 4 को क्या लिखा, 4 को 42 लिखा हुआ है, तो फ्रंट को क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पर देखना है कि किस तरह से इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले इनको चेक करो कि क्या ये इनके नंबर सही तो नहीं दिया हुआ है। ओ को 16 सही कहते हैं भाई, 16। उसके बाद देखिए 16 और 18 कितना होता है आपका 44, ठीक है। उसके बाद सॉरी 34 में मैं 6 जोड़ूंगा कितना जाएगा 44। इसका मतलब इनके नंबर इसके अंदर रख दीजिए, फ्रंट के जो भी नंबर होंगे वो आपके राइट आंसर के रूप में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक सीरीज से दिया 1 3 10 21 61, इसमें से आपको श्रृंखला में गलत वर्ड बताना है। देखिए आगे का वर्ड भी आपसे पूछा जा सकता है और एक आपसे गलत वर्ड भी यहां से पूछा जा सकता है, किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा इसका। सो गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये आपको एक सीरीज से क्वेश्चन दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो एक बार ट्राई करना, नहीं हो तो बताना, जिन लोगों का हो जाए कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपको दिए गए विकल्पों में से आपको जो मिसिंग नंबर है वो इसके अंदर आपको फाइंड करना है। तो मिसिंग नंबर यदि आपको फाइंड करना है तो इसके लिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है। सोचना क्या है, देखिए सबसे पहले आप इनके मध्य कोई ना कोई रिलेशन आपको जरूर देखने को मिलेगा। देखिए 16 में से 6 गया कितना हो जाएगा 100, 100 कितना हो जाएगा 100, यानी कि 16 में से 6 के घटाएंगे उसका स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से देखो 5 में से 2 घटाएंगे 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर 9, इस तरह से आपका रिलेशन बन रहा है। तो यहाँ पर आप चेक कर लीजिएगा, इजीली आपको अपना आंसर है जो मिल जाएगा। देखिए 17 में से 13 गए तो कितने 4, 4 का स्क्वायर कितना 16। इसी तरह से 51 में से 38 गए तो 48 गए तो 3, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25, 25 कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बहुत इजी सिंपल क्वेश्चन है, 2 और 3 को ऐड किया आप, 2 इनका स्क्वायर 25, 5 15 6 21 441, 13 12 कितना होता है 15,
पच्चीस, पच्चीस का कितना 625। तो देखिए थोड़ा सा सोचिए, बाकी क्वेश्चन है जो इजी हैं हो जाएंगे, थोड़ा सा मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा इसलिए वीडियो से जो आपको कम मिल रही हैं, और बाकी वीडियोज़ हैं जो मिल जाएंगी थोड़ा सा पैटर्न और पता चल जाएगा एक दो दिन के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। तो जिन लोगों ने रिव्यू का वीडियो नहीं देखा, रिव्यू का वीडियो भी देख लीजिएगा, सभी जो आपके डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और ये वीडियो भी आई होप आप सभी को पसंद आई होगी। ऐसे क्वेश्चन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप एक बार इस तरह के क्वेश्चन को देख कर जाएं, जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं देखिए ऑड वन ऑड आउट रहते हैं जो, उनसे क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, जैसे मैंने आपको कराया था, देखिए एक बार मैं दिखा देता हूँ जिन लोगों को याद नहीं है, ये मैंने जैसे आपको कराए थे, ये इस तरह से जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए आपको चार ऑप्शन दे दिए, एक दे दिया आपको इस्लामाबाद, दूसरा आपको दे दिया बीजिंग, तीसरा आपको दे दिया न्यू दिल्ली, और चौथा आपको ऑप्शन दे दिया कोलकाता। तो सभी को पता है ये सभी देश की राजधानियाँ हैं, लेकिन ये किसी देश की राजधानी नहीं है। तो इस तरह से थोड़ा सा आपको समझना होगा उन चीज़ों को। अब ये तो है नहीं कि मैं सारे क्वेश्चन मैं ही करा दूंगा, खेल से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक दो खिलाड़ी भी पूछे जा सकते हैं, भाई तीन खिलाड़ी एक खेल से संबंध है और चौथा खिलाड़ी उनमें से एक अलग हो जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम के अंदर बन रहे हैं, बाकी कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ वही सारी चीज़ें हैं जो हमने पढ़ाई हैं। थोड़ा सा मैथमेटिक्स पर ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा, और क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।